अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नबील जट शो। हम ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, तो उम्मीद करते हैं आप सब लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे और इंशाल्लाह तबसरा भी अच्छा होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं रात वाले मैच पर, जो मैच था पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका का। तो श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का मशवरा किया और बाबर आजम ने कहा था, यानी कि हमने भी पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे, तो उसी बात पर इत्तेफाक तो मैं करता था। जिनका मुझे इलम था अगर पाकिस्तान 300 या 350 रन बनाता पहले टॉस जीतकर तो नहीं जीतना, तो श्रीलंका ने बाद में बैटिंग करते कर लेना, तो इस लिहाज से अच्छा था। क्योंकि जितना भी स्कोर करती श्रीलंका, तो हमें उम्मीद थी पाकिस्तान यानी कि वो चेजिंग पर जा सकता है, ठीक है ना। तो इन केस वही हुआ, स्टार्टिंग हुई तो हसन अली ने एक विकेट ले ली, ठीक है, वो अच्छा हो गया हमारे लिए। लेकिन दूसरी विकेट पे जो कैच छोड़ा ना क्वेश्चन मेंडेस का इमाम साहब ने, ना वो स्कोर करता है ना कुछ, एंड तो हमारी सरदार पर्ची मारी, तो वो जनाब वही हुआ यानी कि वो उसने कैच छोड़ दिया। और जहाँ पे 17 पे 18 पे कैच छोड़ा था, 17 बॉल पे 18 रन से उससे जहाँ पे कैच छोड़ा गया था, और जब यानी जब वो आउट हुआ है तो 75 बॉलों पर 122 रन थे, यानी कि 100 रन का डिफरेंट, और उससे बॉल बैट पे बॉल ऐसे आ रहा था जैसे फुटबॉल नज़र आ रहा है उसे, तो जहाँ पे वो हिट लगा रहा था बैट द्वारा भी हिट लग रही थी उसी। अगर वो रहता तो पाकिस्तान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। हम यही सोच रहे थे पाकिस्तान से ना 450-450+ रन यानी कि बन जाएंगे। और इन केस मैंने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दिया था लाभ हम पाकिस्तान, तो जो भी बात है। लेकिन इन केस लास्ट पे ना हसन अली के 2 छक्के तो पड़े, लेकिन तीसरी बॉल पे वो इमाम लास्ट में ही वो दायित्व करा और वो आला त्याज में इमाम ने पकड़ लिया था, ठीक ना उसका। लेकिन वो पहला त्याज जब पकड़ लेता तो ये 100 जो रन थे ना 345 में से वो माइनस हो जाने थे और बहुत कम रन रह जाने थे हमारे लिए। तो 245-300 मसा होना था अगर कुछ रिमाइंडर होकर पकड़ा जाता, लेकिन फिर भी चलो बेस्ट 345 बन गया। तो हमने सोचा चलो हम फाइट कर सकते हैं, 345 हमारे हाथ में है, 370-380 होता तो वो भी डिफिकल्ट हो जाना था, ठीक है 300। लेकिन अब बात वही, फदर तो हमें ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफी तो हमें डाला था और ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बॉयज, ठीक है ना। बैटिंग उसने बहुत आला दी थी और क्लासिकल शॉट, ठीक है ना। अब मसला उस सब पहले मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो ऐसी शॉट मार के आउट हो जाता था अब्दुल्ला शफीद, तो कभी कभी यकीन नहीं होता था यार इतना आला बैट्समैन, इतना टेक्निकल बैट्समैन और इतनी यानी कि बेतुकी सी शॉट मार के बड़ा आउट हो जाए। लेकिन कल के मैच में उसने कोई बैड शॉट नहीं मारी, कोई बैड शॉट नहीं मारी, मैरिट पे बॉल तो खेलता रहा और सेंचुरी बनाकर चला गया। अब्दुल्ला और इमाम साहब आए थे हमारे ओपनर, इमाम आउट हो गए, वही पिछले मैच की तरह शॉट पे जाएंगे, शॉट पे जाएंगे आपसे नहीं खेली जाती, तो बंदा ना शॉट पे गेंद खेले उसे छोड़ दे, ठीक है ना। वही शॉट पे पे उसने मारा, शॉट मारी और पीछे जाते ना यानी कि वो कैच आउट हो गया इमाम साहब। तो दूसरी बात फिर बाबर साहब आए जिससे हमें बड़ी उम्मीदें थी यानी कि वो हमें मैच हार जाएंगे, लेकिन लास्ट पे फिर वही हुआ, वो वाइट बॉल थी उसे छोड़ दो, अगर मारनी है तो प्रॉपर हिट मारो, वो हल्दी सी निकल रही और भाई जान अल्लाह ही सुबूर कर अब बाबर साहब यानी कि आउट हो गए। तो वो पे जब हो गया 38 पे 2 आउट, तो हमने तो नींद छोड़ दी थी पाकिस्तान मैच हार गया। लेकिन इन केस लास्ट पे अब्दुल्ला और रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी है वो पार्टनरशिप वेरी ब्रिलियंट, पहले उन्होंने टीम थोड़ा सा यानी स्लो खेले हैं, जब आसा आसा उन्होंने चार्ज करना शुरू किया 20 ओवर, हम चाहते थे 120 रन बन जाए, और 120 रन के बाद यानी कि जब 120 रन 120 तो नहीं 112-113 यानी कि रन बन गए थे, ठीक है ना। तो अच्छा स्कोर चल रहा था यानी कि 20 ओवरों में, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट यही था, हमें यानी कि 20 ओवर में 180 का करना, यानी 37 ओवरी तो बेसिकली हमारी चाहे, लेकिन वही हुआ एंड पे 30 ओवर में हमारे वो 80 हो गया। और अब्दुल्ला शफी ने जो शॉट लगाई है लेवल मज़ा आ गया था देखने का उसे, जो भी वो क्लासिकल शॉट खेल रहा था जैसे भी सीन, हाँ एक उसने वो शॉट की गेंद छुड़वाई थी मधुशनका ने उसे, तो वो मेरे ख्याल में वो कैच हो जाना चाहिए था, वो दोनों बैट्समैन एक दूसरे को देते रहे, वो देखते देखते बस उनका ना वो काम हो गया था, ठीक है ना। वो कैच पकड़ा जा सकता था अगर कोई भी ट्राई करता तो, उम्मीद की वो कैच पकड़ा जा सकता था अब्दुल्ला शफी का, लेकिन वो फिकराना जो था वो तो माशाल्लाह ना उसने तो
इतनी वाइटें दी हैं, पाँच पाँच की वाइट उसने दी है, यानी थे इतनी दूर पहनता था इधर दीपर से पास भी चांस नहीं होता था यानी थ्रो करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं यानी थे आगे से, यानी वो तो नहीं अगला मैच खेलेगा तुम्हारा, उनका बड़ा अच्छा बॉलर है वो, कहीं अनफिट था जिसकी वजह से उसे नहीं खिला रहे थे, लेकिन उम्मीद है वो यानी कि खेलेगा अगले मैच सारे। तो श्रीलंका के लिए ये था यानी कि उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत दिया है, 25 एक्स्ट्रा दिया था, 25 से 30 के दरमियान जिन्होंने एक्स्ट्रा दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम ये नहीं होना चाहिए था इस लेवल पे, ठीक है ना। और पाकिस्तान ने भी एक्स्ट्रा दिया था लेकिन पाकिस्तान ने एंड पे यानी कवर कर लिया। तो ये थी सूरत हाल सारी अभी, लेकिन उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक और ब्रिलियंट इनिंग्स खेल रहा था, मज़ा आ रहा था उसे देखने में। लास्ट के बैट्समैन कोई बुरी शॉट नहीं उसने मारी किसी किस्म की, लेकिन वो जो जिस बॉल पर आउट हुआ है ना वो बॉल भी फोर था, लेकिन वो उसने जो कैच बहुत वाला पकड़ लिया था जिसकी वजह से आउट होना पड़ा अब्दुल्ला शफीक। तो भाई जाना वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था, ठीक है ना, बड़ा यानी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था यानी कि मैं ऐसे आउट होके जाऊँगा, लेकिन उसके बाद सोच के लाया, अच्छा खेल रहा था 30 पे 31-32 रन किए थे और अच्छा खेल रहा था। उसके बाद वो भी शॉट इसी तरफ मार रहा था स्पीयर के ऊपर से, लेकिन वो शॉट लगी नहीं उसकी जिसकी वजह से वो भी आउट ऑफ द चला गया। और उससे बाद चाचा आया तो उसने 80 ओवर में मैच फिनिश कर दिया, रिजवान ने माशाल्लाह सेंचुरी दी, बहुत अच्छा खेला। तो उम्मीद करते हैं अगला मैच भी हमारा ऐसे ही अच्छा और लेवल का मैच होगा इंशाल्लाह। इंडिया के साथ 34 को हमारा नेक्स्ट मैच है, तो जो टीम जीते भी मेरे ख्याल में वो सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट पहुँच जाएगी, फॉर्मेलिटी रह जाएगी बस।